आज हम नए क्लास का अध्याय 3 परमाणु एवं अणु उस अध्याय के बारे में शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले परमाणु की बात करें तो हमारे भारतीय दार्शनिक लगभग 500 ईसा पूर्व भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था परमाणु के बारे में बताया। 500 ईसा पूर्व का मतलब होता है 2000 साल ईसा के बाद जन्म के बाद हो चुके हैं, और इनसे 500 साल पहले यानी आज से 2500 साल पहले हमारे भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में बहुत कुछ बता दिया था। क्या प्रतिपादित किया कि हम किसी भी पदार्थ को यदि विभाजित करते जाएं, अगर किसी पदार्थ को बारीक कणों में तोड़ते चले जाएं, तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा, परमाणु नाम दिया। यानी आज से लगभग 2500 साल पहले यानी 2500 साल पहले हमारे क्या नाम है जो अपने दार्शनिक थे महर्षि कणाद, इन्होंने परमाणु के बारे में बहुत कुछ बताया, अर्थात वो इसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी रखते थे। तो क्या बताया इन्होंने कि पदार्थ को अगर तोड़ते जाए बारीक कणों में तो बारीक कण होते जाएंगे, पदार्थ बारीक कणों में टूटता जाएगा, लेकिन एक सीमा ऐसी भी आएगी कि पदार्थ के कण और अधिक बारीक कणों में हम नहीं तोड़ पाएंगे। उन छोटे छोटे कणों को, उन सूक्ष्मतम कणों को इन्होंने परमाणु का नाम दिया। इनके बाद अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा और इनके समकक्ष दूसरे देशों में जैसे ग्रीक में ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेटस व ल्यूसिपस और पकुधा, इन वैज्ञानिक इन दार्शनिकों ने भी ठीक इसी तरह के सुझाव दिए जैसे कि महर्षि कणाद ने बताया था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे, इनका कोई प्रायोगिक आधार नहीं था। यानी ये जो बातें इन्होंने बताई ये इनके केवल विचार थे और इनको प्रयोग द्वारा सिद्ध करके इन्होंने नहीं बताया था, यानी प्रायोगिक इनका आधार नहीं था। और विज्ञान कहता है कि कोई भी जो तथ्य होता है, कोई भी जो नियम बनते हैं, वो प्रयोग के आधार पर जांच करके ही बनाए जाते हैं। तो चूंकि इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, इसलिए इनके विचारों को कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। इसके बाद जो अपने 18वीं शताब्दी है उसके अंत में आते आते तत्व अलग होते हैं, यौगिक अलग होते हैं, इनके बारे में वैज्ञानिकों ने भेद करना आरंभ कर दिया। उनके दिमाग में ये बातें आई कि भाई तत्व अलग होते हैं और यौगिक अलग होते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम, उन्हीं के आधार पर रासायनिक संयोजन के नियम दिए गए। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा और कुछ नियम प्रतिपादित किए। एक तो वैज्ञानिक का नाम आता है लवाइजिए और दूसरा है प्राउस्ट। तो लवाइजिए और प्राउस्ट इन दोनों वैज्ञानिकों ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम दिए जो इस प्रकार हैं। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो सृजन किया जा सकता, सृजन का मतलब पैदा किया जा सकता, और न ही उसका विनाश किया जा सकता। अर्थात जब भी कोई रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उसमें द्रव्यमान अर्थात पदार्थ का जो द्रव्यमान न तो घट सकता
और न बढ़ सका। यानी दो पदार्थ तीन पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं तो अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के पश्चात उनके टोटल द्रव्यमान में सबका मिलाकर जो कुल द्रव्यमान होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नए पदार्थ बन जाते हैं, पुराने पदार्थ टूट जाते हैं, इस तरह तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में पदार्थ के द्रव्यमान में कोई कमी आ जाए, भार में कोई कमी आ जाए, ऐसा नहीं होता है। कुल टोटल द्रव्यमान उतना रहता है, अर्थात पदार्थों के जो गुण है वो बदल सकते हैं, नए पदार्थ बन सकते हैं, पुराने पदार्थ टूट सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहेगा टोटल। ये हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अर्थात द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। दूसरा लवाजिए और टाउस्ट ने नियम दिया स्थिर अनुपात का नियम। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जैसे एक जल का उदाहरण लीजिए आप, इस बात से हम क्या समझे, उदाहरण से पहले फिर देख लेते हैं एक बार। स्थिर अनुपात का नियम अर्थात जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं कोई, तो उस यौगिक में उन तत्वों का अनुपात सदैव ही स्थिर रहता है। जैसे जल का सूत्र होता है H2O, ये जल का सूत्र है H2O, और अगर इसमें एक तो है हाइड्रोजन तत्व है और दूसरा है ऑक्सीजन तत्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनका अनुपात 1:8 है। 1:8 कैसे है, जैसे H2O हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 और दो हाइड्रोजन है तो इनका परमाणु भार द्रव्यमान इसको कह सकते हैं वैसे, तो इसका द्रव्यमान हो गया 2, 1 हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 1 और 2 हाइड्रोजन का 1+1=2 हो गया, और ऑक्सीजन का परमाणु का द्रव्यमान होता है 16, क्योंकि यहां ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है तो 2+16 इनको जब काटेंगे तो 1:8। अर्थात जल हम नदियों से प्राप्त करें, बरसात का जल हो, झीलों का जल हो, समुद्र का जल हो, अगर शुद्ध रूप में अगर हम जल को देखें, उस जल को शुद्ध रूप में अगर प्राप्त करें, चाहे जमीन से निकाला हुआ जल हो, बस शर्त यह है कि जल शुद्ध होना चाहिए, अगर उनमें इन दोनों तत्वों का अनुपात देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हमेशा 1:8 हाइड्रोजन और 8:8 ऑक्सीजन के होते हैं भार की दृष्टि से, तो इनका भार का अनुपात हो गया 1:8, अर्थात इनका द्रव्यमान का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। हर योगी के लिए यही बात लागू होती है। अब इसके बाद में अगले वैज्ञानिक के जो कार्य कर रहे थे, जॉन डाल्टन, ये एक जुलाहा परिवार से थे, छोटी उम्र में ये 12-13 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था और विज्ञान में इनकी बहुत रुचि थी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, इनमें आगे चल करके इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किए। तो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत देकर द्रव्यमान संरक्षण नियम व स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या की। इससे पहले वाले वैज्ञानिकों ने जो स्थिर अनुपात का नियम दिया और जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया उसकी व्याख्या जॉन डाल्टन ने की, और व्याख्या कैसे की, व्याख्या में क्या क्या बताया, उसके मुख्य बिंदु ये अपने पास लिखे हुए हैं। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु, परीक्षा में इसी तरह पूछते हैं कि जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु लिखिए, समझाइए। तो पहला बिंदु है सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ये परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। पहली बात क्या बताई कि जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो ठोस पदार्थ हैं, चाहे द्रव पदार्थ हैं, चाहे गैसीय पदार्थ हैं,
सभी के सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कोई भवन होता है वो ईंटों को जोड़ करके उनसे मिलकर के बना होता है ईंटों से, इसी तरह से पदार्थ होता है वो छोटे 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 कणों अर्थात परमाणु से मिलकर के बना होता है, और ये परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में अलग अलग भाग लेते हैं। दूसरा इनका बिंदु था कि परमाणु अविभाज्य व सूक्ष्मतम कण होते हैं, अर्थात परमाणु किसी भी पदार्थ का छोटे से छोटा कण होता है और उससे आगे उसके और कण नहीं किए जा सकते, अर्थात उसको और अधिक सूक्ष्म कणों में नहीं तोड़ा जा सकता। जो किसी अभिक्रिया में न तो संघटित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है या नष्ट होते हैं, ये परमाणु उत्पन्न भी नहीं किए जा सकते और नष्ट भी नहीं किए जा सकते। अभिक्रिया में भाग लेकर के ये नए नए तरीके के पदार्थ बना सकते हैं। परमाणु नष्ट नहीं होता है अभिक्रिया में और न ही नए परमाणु पैदा होते हैं। तीसरा बिंदु, किसी तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान अर्थात भाग से मान सकते हैं। वैसे द्रव्यमान और भार अलग अलग होते हैं, लेकिन आपको समझने की दृष्टि से हम इसको भार भी मान लिया, मान लीजिए तो एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के भार और उनके रासायनिक गुणधर्म होते हैं वो समान होते हैं। जैसे ऑक्सीजन के जितने परमाणु हैं उन सबका भार लगभग एक जैसा होगा, उनके सभी के गुण एक जैसे होंगे। हाइड्रोजन तत्व के जो परमाणु हैं उनका आकार, उनके गुण, उनका भार अर्थात द्रव्यमान आपस में समान होंगे। भिन्न भिन्न, अगला जो पॉइंट इसका, भिन्न भिन्न किसी भी तत्व के भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात अगर हम अलग अलग तत्वों की तुलना करें, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर इनके परमाणु की तुलना करें तो ये तो दो अलग अलग प्रकार के तत्व हैं। इनके परमाणु आपस में आकार में भी समान नहीं होंगे, रासायनिक गुणों में भी समानता नहीं होगी, द्रव्यमान में भी समान नहीं होंगे। अर्थात अलग अलग तत्वों के परमाणु आकार में, प्रकार में, गुणों में अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। और अगला बिंदु आता है लास्ट, अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। यानी सबसे पहले ये बात जॉन डाल्टन ने बताई थी कि तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। जैसे जल का उदाहरण दिया था, जैसे H2O, तो यहां पर देखो आपस में छोटी पूर्ण संख्या है, तो यहां पर हाइड्रोजन की छोटी पूर्ण संख्या क्या है, दो। कितना परमाणु हाइड्रोजन की यहां पर, दो। और ऑक्सीजन की छोटी छोटी परमाणु संख्या यहां काम में आ रही है, एक। तो यहां दो परमाणु हाइड्रोजन के और एक परमाणु ऑक्सीजन का आपस में निश्चित अनुपात में मिलकर के एक नया यौगिक बना रहे हैं जल, और इस जल में दोनों तत्वों के गुण मौजूद नहीं है, इसमें अलग ही गुण उपस्थित हो गए। तो इस प्रकार से ये पूर्ण संख्याओं में ही संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब हम कुछ तत्वों के नाम, उनके परमाणु क्रमांक और उनके प्रतीक का कुछ अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, ये तो होगा परमाणु क्रमांक, और ये हो गया तत्व का नाम, और ये हो गया तत्व का प्रतीक। तत्व का प्रतीक इस तरह से परमाणु क्रमांक भी इनके तत्वों के निश्चित होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक एक होता है, तो सदैव एक ही होगा, परमाणु क्रमांक एक, और तत्व का नाम है हाइड्रोजन, प्रतीक है इसका एच। जो प्रतीक दिए गए हैं वो एक वैज्ञानिक हुए हैं बर्जिलियस, उन्होंने तत्वों के प्रतीक दिए हैं ताकि हम इसको संक्षेप में लिख सकें। तो हाइड्रोजन का प्रतीक है एच, हीलियम
हीलियम एच ई, लिथियम एल आई, बेरिलियम बी, बोरॉन बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, इसकी सीट में ताकि अलग अलग मिल जाएंगे, ऑक्सीजन का ओ और फ्लोरीन एफ और नियोन एन। तो इस तरह से ये जो नाम है हाइड्रोजन का पहला अक्षर लिया एच, अब यहां पर एच काम में आ गया, अब हीलियम भी एच अक्षर से शुरू होता है, अगर इसका इंग्लिश की स्पेलिंग को देखें तो इसके दो अक्षर लेंगे एच ई, फिर लिथियम एल आई, बेरियम ये नंबर चार पे आता है, इसका परमाणु क्रमांक चार, बी ई का बोरोन का बी, कार्बन का प्रतीक सी, नाइट्रोजन का एन, ऑक्सीजन का ओ, क्लोरीन का एफ, नियोन का एन, ये दो अक्षर आ गया। तीसरे से ये प्रथम दस तत्वों के, अभी और ले लेते थोड़ा सा, जो अपने ग्यारह नंबर है, इसी तरह से नंबर ग्यारह है वही होगा, ये होगा क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ये होगा नाम और ये हो जाएगा प्रतीक। तो ग्यारह पर आता है सोडियम एन ए, और बारह पर आता है मैग्नीशियम एम जी, पहला अक्षर बड़ा आएगा और दूसरा अक्षर होगा छोटा होगा। नंबर तेरह आता है एल्यूमिनियम ए एल, चौदह सिलिकन एस आई, फास्फोरस इसका प्रतीक होगा पी, सल्फर इसका प्रतीक होगा एस, इसको गंधक भी कहते हैं, क्लोरीन सी एल, सी बड़ा एल छोटा, ऑर्गन ए आर, पोटेशियम इसका आएगा के, और कैल्शियम इसका आएगा सी ए, सी बड़ा ए छोटा। अब हम यहां पर देखते हैं एक तो सोडियम, एक देखते हैं पोटेशियम, सोडियम का ऐसा होना चाहिए प्रतीक, लेकिन एन है, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके ग्रीक भाषा के पहले अक्षर से लिया गया है या लैटिन भाषा, लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा के पहले एक या दो अक्षर से उनको प्रतीक दिया गया है। जैसे सोडियम को बोलते हैं नेट्रियम और नेट्रियम से एन ए प्रतीक आया है, इसी तरह से पोटेशियम को बोलते हैं केलियम, केलियम उसका पहला अक्षर आ गया के, तो इस प्रकार से इनको प्रतीक दिए गए हैं।